दिल्ली में हिंसा तोड़फोड़ के बाद पुलिस अब फुल एक्शन में नजर आ रही है। लाल किले पर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती देखने को मिली है। सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवान भी यहां पर तैनात हैं। कई सीनियर आईपीएस अधिकारी इस वक्त लाल किले के अंदर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीते कल की ये तस्वीरें, जब तिरंगे को हटाकर वहां पर किसी धर्म विशेष का झंडा लगाने की कोशिश की गई और आप देखिए कितनी संख्या में जो उपद्रवी हैं वो लाल किले में मौजूद थे। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए यहाँ ये जो वैली टाइप की आपको नजर आ रही है, जो मेन रोड और लाल किले के अंदर के बीच का रास्ता है, वहां कूदते नजर आए। हालांकि वहां पर भी सुरक्षा में तैनात थे सुरक्षाकर्मी, लेकिन उपद्रवियों की संख्या देखकर अपनी जान बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था नहीं। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त लाल किला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, बीते कल की तस्वीरें हमने देखी और इसी के मद्देनजर आज पुलिस ने वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी लहर में वहां पर सुरक्षा की गई है और क्या क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो लाल किले के कंपाउंड के अंदर जो पार्क बना हुआ है, आप यहां पे देखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनका हुजूम है यहां पर। भारी तादाद में जो है, सैकड़ों की तादाद में यहां पे पुलिस बल तैनात किया गया है। खुद जो है यहाँ पे जो स्पेशल CP रैंक के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आप देखें कि ये उनकी गाड़ी भी दिख रही है आपको सामने। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP रैंक के अधिकारी हैं जो इस वक्त मौके का मुआयना कर रहे हैं, लाल किले की सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कल की तरह जो है तस्वीर दोबारा ना देखने को मिले देश को। फिलहाल यहाँ पर इस वक्त साफ सफाई भी की जा रही है क्योंकि कल जब हुड़दंगी यहाँ पर आए थे, उपद्रवी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने पूरा माहौल तो बिगाड़ा ही था, लेकिन पूरे लाल किले कंपाउंड के अंदर जो है ना गंदगी फैला दी थी। साथ ही साथ एक CASF की जो बस है जो कि लाल किले की सुरक्षा में तैनात CASF के जवानों को लाने ले जाने का काम करती है, उसमें तोड़फोड़ की गई थी। तो ये तस्वीर दोबारा देखने को न मिले देश को, देश की जनता को, तो लिहाजा तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की है। वाटर कैनन यहाँ पे वज्र दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ तैनात किए गए हैं। तो भारी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किया गया है, लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो मेंटेन रह सके और किसी भी तरीके से जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े। हम आपको एक और बात बताएं कि इसके अलावा जो है कई रूट अभी भी बंद किए हुए हैं, चाहे वो ITO हो, मिंटो ब्रिज वाला जो रास्ता हो वो बंद हो, वो उसकी बात करें तो ये तमाम रास्ते ऐसे हैं जो बंद हैं। फिलहाल अभी भी जो है लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है, इंटेलिजेंस को लेकर काम कर रही है कि आखिर आगे का इनका क्या प्लान हो सकता है, किस तरीके से जो है दोबारा दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश तो नहीं करेंगे ये। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें, हालांकि किसानों की तरफ से जो संयुक्त किसान मोर्चा पूरा लीड कर रहा था इस पूरे ट्रैक्टर मार्च की जिन्होंने आह्वान किया था, उनकी तरफ से भी 1 फरवरी का पैदल मार्च की बात कही गई थी, तो उसको भी मद्देनजर देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बीटिंग रिट्रीट होनी है जो 26 जनवरी के बाद होती है, तो उसको लेकर जो है खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा का जो माहौल है वो ना टूटे, वो ना बिगड़े। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर